अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। आज है 11वां रोज़ा और शुरू हो चुकी है हमारी सहरी का वक्त। आप देख सकते हैं ईसा जो है वो फुल मज़े में है, आयजा का चश्मा लगा के और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। इनके नाम की नींद नहीं है और यहाँ पे सभी नींद में है और इनको गेम सोच रहे हैं। पापा के साथ तड़के सा लग रहा है, हेयरबैंड लगा दे, हेयरबैंड नहीं, हाँ 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 लॉलीपॉप सा लग रहा है। तड़के से लग रही थी लौंडिया, छोटी सी स्मार्ट लौंडिया, इसे देखो। तो शुक्र है हमारे बच्चे सो गए हैं और हम कर रहे हैं बहुत इत्मीनान से अपनी सहरी बहुत अच्छे वक्त पर, क्योंकि हमारे बच्चे अब सो चुके हैं। तो कर ली है हमने सहरी और यहाँ पे हो रहा है सायरन। सहरी का टाइम खत्म हो चुका, अब रोजे की नियत कर ली। بصومي غد مضيت من شهر رمضان سحری کا ٹائم ختم ہو چکا اب روزے کی نیت کر لیں بصومي غد مضيت من شهر رمضان तो आज 11वें रोज़े में खुशखबरी आज हमें ये मिली है कि अनस का कुरान जो है वो पूरा हो गया माशाल्लाह से। तो यहाँ पे स्लाइसेस मैंने काटे और मैंने भाभी को सिखाया है आलू काटना, क्योंकि भाभी को नहीं आता था। और अभी देखो ये मेहनत से सब कुछ है, देखो भाभी को भागी काटना, अभी कुछ ज़्यादा पतला हो गया। कोई नहीं, होगा होगा, तुम कर सकती हो। लो देखो कितना अच्छा काटा है ना, ये सही काटा है, ऐसे ही काटेंगे सादे, ठीक है। दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकली करवाओ। आयजर रानी जो है वो पढ़ रही है सिपारा, आयजर रानी पढ़ रही है सिपारा और इनकी आई में है ना, आईज दिखाना, ये इन्फेक्शन हो गया इनकी आईज में। मम्मी सिखा रही है अपनी बहू को आलू काटना और फाइनली भाभी सीख चुकी है आलू काटना हमारी। चलो भाई तुम तो पढ़ लो, यहाँ दूसरी साइड हमारे पढ़ रहे हैं बच्चे ट्यूशन के। हेलो एवरीवन, रोजा मुबारक। किस किस के 10 रोजे पूरे हो गए? सबके हो गए? सारे रोजे आ रहे हैं? रोजा का कितने बजे खोलते हो? कितने बजे खोल है? कितने बजे? 30 बजे? 6:30। बेटे मैडम बता रही है तुम्हें, है घोटाला कर रहे हो। राबिया क्या मतलब, बेचारे को 6:30 जब 10 आदमी सब बैठ जाते थे खोल लेते हैं। राबिया सारे रोजे रख रही हो ना? अरहम सारे रोजे आ रहे ना? अरहान सारे रोजे, सारे रोजे। रोजे में क्या खाते हो? इफ्तारी किससे खोलते हैं रोजे? किस? अच्छा रोजे की दुआ आती है तुम्हें? किसी को आती नहीं है? पढ़ते नहीं है? वस्तर्तु वस्तर्तु सारे तो वस्तर्तु हो गए तुम्हारे। अल्लाहुम्मा इन्नी रिस्की का रोजा खोल लेंगे अगर एक दफा और पढ़वा दी मैंने तो। भाई सारे सारे बच्चे हैं ना, रोजा खोलने की दुआ याद करो, ठीक है? जब आप रोजा रखते हो सब है सुना, आपको आती है सुनाती ना दुआ। हमजा को कौन कौन, हमजा को कौन कौन सी दुआ आती है? हमजा का तो बहुत सारी आती है। कौन सी वाली? पहला कलमा तैयब आता है, सुनाना। पहला
वेरी गुड। दूसरा कलमा किसे आता है? आता है किसी को दूसरा कलमा? मैं तो। हादिया को आता है, हादिया को आता है। क्या 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 दूसरा कलमा? शहादत, शहादत माने गवाही। चलो रहने दो बेस्ती के साथ। चलो दूसरा कलमा सुनो। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही देना। अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वेरी गुड। तीसरा कलमा किसी को आता? तीसरा तीसरा आता। ओह वेरी गुड। वेरी गुड। कितनी छोटी है भाई? चौथा कलमा किसे आता है? चौथा कलमा किसे आता है? चौथा कलमा किसे आता है? किसी को नहीं आता? आशिर को आता होगा। आशिर को आता है चौथा कलमा? सुना सुना दो। पहला कलमा, पहला कलमा तो इस एड्रेस का बन के आ गया है आधार कार्ड भाभी का। भाव को दे देना। हाँ जी, पांच उंगलियों का नाम किसे पता है? अच्छा तुम्हें पता है? सबको पता है? यस। अच्छा नाम बताओ पांच उंगलियों के। आमीन, अमानत, जन्नत, शहादत, फर्ज। वेरी गुड, सही बोला है ना? हाँ। चलो ओके, बाय बाय। दुआ में याद रखना। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ जो है वो बनना चालू हो गई हैं। आपने देखा, हमने सबसे पहले मिर्च फ्राई करी है और ये है हमारी प्याज वाली पकौड़ी। तो ये भी आज हमें बनानी है फर्स्ट टाइम। और ये आलू हमारे, पालक, और ये हमारा इसका बैटर। तो अब हम मिर्च के बाद डालेंगे आलू की पकौड़ियाँ। तो आप देख सकते हैं। और आज मैं भाभी को भी सिखा रही हूँ अपने साथ साथ के अगली बार हम इनके हाथों की खाए, क्या पता, होप सो। और ये पड़ोस से आई हुई थी इफ्तारी, तो यहाँ पे फ्राई हो रहा है। तो आप लोगों की वजह से मैंने आज भाभी से पकौड़ी डलवाई है पहली बार। तो कुछ दिन से मैं पकौड़ी इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं कई दिन बाद अपने घर आई थी और मेरा खुद का मन करा कि मैं बनाऊँ। वो सबको ही पसंद आ रही थी कि वो क्रिस्पी भी हो रही थी और टेस्टी भी लग रही थी। तो मैंने सोचा भाभी को थोड़ा सा अपने गुण दे दिए जाए। सब आप कर दो। नो इशू, नो नो इशू, डोंट किची कर दो, किची ओए किची कर दो। आज धोए थे? आज आज कैसे खड़ी हो गई तुम? आप धोने के लिए तो यहाँ पे सुहेल और भाभी जो है वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, ऑफन कर रहे थे। तो लोगों, मैं आपसे एक टिप्स आज शेयर करने वाली हूँ जो आज मैं भाभी को भी यही बता रही थी कि हम जो पकौड़ी को है ना, मतलब टेस्ट बढ़ाने के लिए और क्रिस्पी बनाने के लिए एक ट्रिक है जो मैं हमेशा मोस्टली करती हूँ और मेरी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ होती है। तो मैं भाभी को भी यही बता रही थी कि देखें, जैसी ही भाभी उसे डाल के पकौड़ियों को छोड़ दे और साइडों से जब वो हो जाए ना, तब उसे एक दफ़ा टर्न करके फिर पकौड़ियाँ निकाले, बार बार उस पर चम्मच मार के, और उसे अलट पलट करने से उसमें तेल भर जाएगा और पकौड़ियों में वो बदमज़ा हो जाती है। तो ये जो है करारी बनती है। और आज हम ये बनाने वाले हैं प्याज की पकौड़ियाँ। इसमें हमने नमक मिर्च जो है वो ऊपर से छिड़क दिया है। तो हम बनाएंगे इसके बाद ये वाली पकौड़ियाँ, क्योंकि अभी आलू की ही बन रही हैं। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए इफ्तार के लिए बिकॉज़ आप ही जो है ना वो बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा सा लेट हो गई, जिसकी वजह से मुझे आज सिमरा को अपने साथ लगाना पड़ा पकौड़ियाँ बनाने के लिए। और यहाँ पर इफ्तार हमने लगा दिए दस्तरखान पर। और आज मेरी फ्रेंड को आना था, अभी तक वो भी नहीं आई। इन द एंड मैं अब उसे कॉल करके बुलाती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम जो है बिल्कुल तेज़ी से भाग रहा है। और आज तो हमारा
रोजा किचन में खुल गया मम्मी। चलो मम्मी पहले रोजा खोल लो, खजूर खा ले, खजूर खा ली तो मेरे मेल भी ले, मैं अभी बंद ही कर देती हूँ, लेट हो गए था। आ रहे आ रहे, अच्छा आ गई कि लवली भी आ गई। यार पहली बार तो मेरी दोस्त आई है यार, देर लग गया। छोड़ो मट्टी पाओ। तो ये हमारा फ्राइज हो गया, हम कचौड़ी डाल देते हैं, जब तेज कर रहा है मैंने, ये पालक रह गया। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। और है कि शेजी के लिए रखी हुई, बताओ हमारा रोजा आज किचन में हो गया। क्या उठा रही है क्या? वो रखी थी मैंने अफ्तार निकाल दे। अच्छा तुम्हारी, तुम ले लो ना मेरी, उसके अंदर ही पैक ले लो प्लेट। कोई नहीं, तो आज तो हमारी इफ्तार जो है वो थोड़ी सी लेट हो गई, इवन हमारा जो है रोज़ा भी खुल चुका है और सभी दस्तरखान पे अंदर बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे कचरियाँ तल रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड आई है। अच्छा नहीं लग रहा था यार, सब कुछ वैसे इतना टाइम पे परफेक्टली होता है, हमें दुआ मांगने का भी टाइम मिलता है और आज जो है आज लवली आई है तो उसकी वजह से यार सब ऐसी हो गया। चलो कोई नहीं, होता है। हेलो रोज़ेदार, हेलो। तो आज हमारे साथ रोज़ा खोला है मेरी फ्रेंड ने, स्कूल की फ्रेंड है ये मेरी लवली, और बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा हमारे साथ रोज़ा खोलिए? पहली बार खोला है ना? हाँ पहली बार खोला है, नहीं किसी और मुस्लिम फ्रेंड के साथ तो नहीं खोला। नहीं, मैं पहली बार आई। हाँ पहली बार इन्होंने हमारे दस्तरखान में हमारे साथ रोज़ा खोला है, मुझे तो बहुत मज़ा आया, तो पता नहीं कैसा लगा। अच्छा लगा, और अभी खाना खा के जा रही है, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। वैसे मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, जब जब इसे पता चलता है मैं आई हूँ मम्मी के यहाँ पे तो ये मुझसे मिलने ज़रूर आती है, और अब ये जा रही है अपने घर, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्दी। तो चले यहाँ पे मेरी दोस्त जा रही है अपने घर और मैं भी आपसे लेती हूँ अलविदा। आपके कहने पर मैं डेली व्लॉग्स बना तो रही हूँ लेकिन मैं ही जानती हूँ कैसे बना रही हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोगों के लिए ही बड़ी मेहनत हो रही है, तो हमें मोटिवेट करें, हमारा साथ दें। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।